एजेंट को लेकर के मेरे पास में आप लोगों के काफी ज्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज भी आते हैं, काफी ज्यादा आपके ईमेल्स भी आते हैं, काफी ज्यादा आपके कमेंट्स भी आते हैं, सर हमने फलाना बैंक के या फिर एनबीएफसी के माध्यम से लोन ले लिया है और हम अब तक उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकवरी एजेंट हमें घर पे आकर के परेशान कर रहा है, हमें डरा रहा है, हमें धमका रहा है, हम क्या करें, हमें पूरे तरीके से वह व्यक्ति प्रताड़ित कर रहा है, हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल कर रहा है, हमारे आस पड़ोस वालों से बता रहा है, हम क्या करें। देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं, बाई चांस आप उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकवरी एजेंट ही परेशान करते हैं, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने यही आती है। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करता क्यों है, आपने कभी सोचा है? रिकवरी एजेंट आपसे पूरे तरीके से चाहता है कि वो जो पैसा है आप रिटर्न कर दें, राइट, विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी, राइट। और जब आप रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो वही है परेशान करना, डराना, धमकाना। और जब रिकवरी एजेंट को लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे भयभीत हो रहा है, ये व्यक्ति मुझसे डर रहा है, ये व्यक्ति पूरे तरीके से अब घबरा रहा है, तो रिकवरी एजेंट उस व्यक्ति पर और ज्यादा प्रेशर बनाने का प्रयास करता है, इवन प्रेशर बना भी देता है, राइट। तो पहला तोड़ आपका ये निकला कि जब भी आप रिकवरी एजेंट से बातचीत करें, जब भी आप रिकवरी एजेंट से वार्तालाप करें, आप पूरे तरीके से रिकवरी एजेंट से एकदम निडरता से बात करें, एकदम टेंशन फ्री होकर के बात करें, उससे क्लियर कहें कि देख भाई अभी तो मेरे पास में पैसा नहीं है, जैसे ही पैसा आ जाएगा मैंने तेरी कंपनी को बाय ईमेल इंफॉर्मेशन दे दी है कि मेरी प्रेजेंट में ये समस्या है, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, चाहे तू मेरे घर पे रोज आ, चाहे घर पे तू पूरे तरीके से मत आ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू मेरे घर के बाहर ही बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पैसा होगा मैं तभी दूंगा, तेरे रोज आने से या फिर गालियां देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अगर तुझे लगता है कि तेरे गाली देने से या तेरी मुझे बदतमीजी करने से पैसा रिटर्न मिल जाएगा तो तू घर के बाहर बैठ रोज बदतमीजी कर, रोज कर, कोई मना नहीं है। और तुझे लगता है कि मैं आस पड़ोस के वालों के पास जाकर के इस बंदे से पैसा निकाल लूंगा, आस पड़ोस वालों से कह दूंगा, तो भाई देख तूने ना तो मेरे आस पड़ोस वालों से पूछ करके पैसा लिया है, राइट, समझ रहे हैं ना, यही शब्द रखें, ना तो तूने मेरे आस पड़ोस वालों से पूछ करके पैसा लिया है और ना ही आस पड़ोस वालों की कोई जिम्मेदारी बनती है। अगर तुम मुझसे या फिर मेरे आस पड़ोस वालों से प्रॉपर तरीके से बातचीत करेगा तो तेरे को यही जवाब मिलेगा कि भाई पैसा मेरी तरफ से तो ही मिलेगा, नहीं है, नहीं दे पाऊंगा, अभी जब मेरा काम वगैरह ठीक हो जाएगा मैं अपने आप पेमेंट कर दूंगा, मैंने तेरी कंपनी को ऑलरेडी मेल कर ही रखा है, राइट। और आस पड़ोस के वालों के पास जाएगा तो उनसे यही जवाब मिलेगा कि भैया तूने क्या हमसे पूछ के पैसा दिया है, है? तो तू जो तू प्रोसीजर करना चाहता है वो ट्राई करके देख ले, अन्यथा तू 2 या 3 महीने का वक्त देना चाहता है तो वो करके देख ले, वो तू कर नहीं सकता, तू बस ऐसे कर सकता है। देखो दोस्त, मैंने जितना इन रिकवरी एजेंटों को ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने समझा है, ये रिकवरी एजेंट सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को डराते हैं जो व्यक्ति इनसे डरते हैं, और जो व्यक्ति इनसे कतई नहीं डरते ना उनका ये बाल बीमा का नहीं कर सकते, उनसे तो ये खुद घबराते हैं, उनसे तो ये खुद वो रहते हैं। अब जब भी कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है बिना बताए या कैसे भी, आप उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लें, वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरे के थ्रू आप प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करके रिकॉर्ड कर लें और अपने पास जरूर रखें, क्योंकि देखिए काफी बार हमने देखा है कई रिकवरी एजेंट ऐसे होते हैं कहते हैं कि हमें मार दिया, हमें पीट दिया, जबकि ग्राहक किसी प्रकार की कोई भी प्रताड़ना किसी व्यक्ति के साथ में नहीं करता है, जबकि प्रताड़ित करते ग्राहकों को यही पाए गए हैं रिकवरी एजेंट्स। अब एक मजे की बात और मैं आपको बता दूं, ये जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं ये बैंक से तो बिल्कुल नहीं होते हैं, हालांकि मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूं। तो पहले व्यक्ति समझते हैं कि बैंक का बंदा है, उसको घर में बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसको बाहर से बाहर ही आप कोऑर्डिनेट करें, राइट, बाहर से बाहर ही अपडेट करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठाए हैं कुछ भी कर रहे हैं ये गलत है, आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, राइट, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं लेकिन दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो आप में से काफी व्यक्ति हैं जो रिकवरी एजेंटों के उत्पीड़न से परेशान हैं, डरे हुए हैं, उनको लगता है घर आएगा, घर तभी आएगा अगर आप डरेंगे, घबराएंगे। अगर आप खुलकर के निडरता से एकदम जबरदस्त तरीके से बात करोगे कभी घर नहीं आएगा, फुल कॉन्फिडेंस में बात करोगे कभी घर नहीं आएगा और कभी प्रताड़ित नहीं करेगा। आप इस बात को मेरी को फॉलो जरूर कर लेना। और एक और बात ध्यान रखें,
रिकवरी एजेंट अगर ज्यादा चीख पटाक करे ना कि चल जा सीधा कोर्ट में, जा पुलिस को लेकर क्या, कोर्ट में जा पुलिस को लेकर क्या, हम क्रिमिनल हैं क्या है, सीधी बात करो यार, कोई नहीं घबराना। ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर ये धमकी देते हैं, मैं फलाना पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, ये खुद ही होते हैं पुलिस वाले भी है, और कुछ नहीं होता, राइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा है वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं ईमेल और कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो देखिए ईमेल और कमेंट्स तो आपके पास में ये माध्यम है, इस माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं हमसे प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। अगर आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप पूरे तरीके से हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। पेड सर्विस लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है, इसमें हम आपको बता देंगे क्या चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, तो टेलीफोनिकली आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके आपको ऑन कॉल गाइड कर देंगे। अगर ईमेल करने में असमर्थ है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है ही, अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तभी ये पेड सर्विस मिलेगी व्हाट्सएप वाली, अन्यथा कोई मैसेज वगैरह न करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, थैंक यू।